हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीटी गुरुकुल। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक वो है व्हाट इज नार्को टेस्ट। ये नार्को टेस्ट होता क्या है, ये नार्को टेस्ट की जो चीजें हैं वो फिलहाल न्यूज में क्यों थी, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज के हमारे लेक्चर में। सो गाइस, रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार जो है, दे आर प्लानिंग टू सब्जेक्ट हाथरस रेप एंड मर्डर विक्टिम्स फैमिली मेंबर्स टू नार्को टेस्ट। बराबर, हाथरस रेप एंड मर्डर के जो विक्टिम्स के जो फैमिली मेंबर्स हैं, बराबर, इनका नार्को टेस्ट कराने का उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो सोच रही है। मर्डर विक्टिम फैमिली मतलब कौन गाइस, कि वो परिवार है जिस परिवार की लड़की का रेप और मर्डर हुआ है, तो उस परिवार के ऊपर इन लोग नार्को टेस्ट करने का सोच रहे हैं। कौन? उत्तर प्रदेश सरकार। अभी गाइस, व्हाट आर द कंसर्न्स? तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो इस तरह से हो गए कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है गाइस इस टेस्ट के, तो इसमें क्या हो सकता है गाइस कि वो डिवास्टेटिंग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल्स ऑफ वीकर सेक्शन, जो वीकर सेक्शन के जो लोग हैं सोसाइटी में, दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। इनको अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता नहीं है, और अभी इनको कुछ जानना भी हो कि लीगली कुछ एडवाइस लेनी हो तो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, हमारे जो गरीब लोग हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं इनके बारे में इनको कुछ पता नहीं है, बराबर। और दूसरी बात ये है गाइस कि अगर उनको जानना भी हो, कुछ लीगल एडवाइस लेनी भी हो, तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी इकोनॉमिक सिचुएशंस कंडीशंस इनकी अच्छी नहीं होती। दूसरी बात यह है गाइस कि अभी इन्होंने नार्को टेस्ट कर लिया, तो इससे फ्यूचर अब्यूज हो सकता है इनका, हैरेसमेंट एंड सर्विलेंस हो सकता है। ठीक है, और गलती से जो वो फुटेज है आपके नार्को टेस्ट का, वो वीडियो अगर लीक हो गया प्रेस में, तो मीडिया ट्रायल चलेगा, बराबर। इसका क्या है गाइस कि अभी आपका नार्को टेस्ट किया जा रहा है, तो जरूरी नहीं कि आप अपनी जो पूछा जाए वही इंफॉर्मेशन आप दो। गलती से अगर आपने कुछ और भी चीजें बता दी, अपनी पारिवारिक जो चीजें होती है, जो व्हाट यू कैन से प्राइवेसी वाली कुछ चीजें होती है, वो भी आपने उस ड्रग के अंदर, उस नशे में आके आपने बोल दिया, तो उससे क्या कि आपका अब्यूज हो सकता है, हैरेसमेंट एंड सर्विलेंस हो सकता है आपका। और गलती से अगर वो फुटेज जो है वो लीक हो गई मीडिया में, तो आज के दिन आप देखते होंगे कि किस तरह से हर न्यूज चैनल अपना एक डिबेट के अंदर मीडिया ट्रायल चलाता है। वो खुद से ही डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। तीसरी बात यह है गाइस कि ऐसे जो टेस्ट है, ये एफ्रेंट टू ह्यूमन डिग्निटी, मतलब ये ह्यूमन की डिग्निटी है और उसकी लिबर्टी को ठेस पहुंचाता है। एंड इट हैज हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स, कि इसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होते हैं गाइस, बराबर। ऐसे नहीं कि टेस्ट अभी हो गया और बात खत्म हो गई, इसका जो भुगतना है वो काफी दूर तक देखने को मिल सकता है पीड़ित को। अभी नार्को टेस्ट गाइस क्या होता है? सो नार्को टेस्ट के अंदर एक इंजेक्शन होता है, उसके अंदर ड्रग होता है जिसका नाम है सोडियम पेंटोथाल। ठीक है गाइस, ये आपको याद रखना है एज पर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि नार्को टेस्ट में कौन सा ड्रग यूज इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका नाम है सोडियम पेंटोथाल। ठीक है, और ये क्या करता है, हिप्नोटिक और सीडेटेड स्टेट में लेके आ जाता है आपको, कि थोड़ा आपको एकदम सर भारी लगने लगेगा, आपको ऐसा फील होगा कि बहुत नींद आ रही है, बराबर। और उसी अवस्था में आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, बराबर। और ऐसी जब अवस्था होती है आपके दिमाग की, तो आपका जो इमेजिनेशन है ना, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, बराबर। आपको झूठ बोलने के लिए गाइस अपना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको इमेजिन करना पड़ता है कि मैं झूठ क्या बोलूं। पर ऐसी अवस्था में जब आप आ जाते हो सीडेटेड अवस्था में या हिप्नोटिक अवस्था में, तभी आपका दिमाग जो है उसकी सोचने की क्षमता बंद हो जाती है, और जितना आपसे पूछा जाए उतना ही आप बिना कुछ सोचे समझे उसका राइट आंसर दे देते हो, बराबर। मतलब आप घुमा फिरा के या फिर कोई भी चीज छुपाने की कोशिश करो तो फिर भी आप नहीं कर पाओगे इस स्टेट पे। ओके, अब ये जो ड्रग है इसको और एक नाम दिया गया है, वो है ट्रूथ सीरम, बराबर, कि सच बोलने वाला काढ़ा, इस तरह से हम कह सकते हैं ट्रूथ सीरम, बराबर। और इसका अगर इसका जो लार्ज डोज है वो एनेस्थेसिया के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी। ओके, और ये जो है ना गाइस सोडियम पेंटेथॉल, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर टू,
वर्ल्ड वॉर टू के समय पे काफी जासूसी का काम किया जाता था, तो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जब हुआ किया करते थे, कोई अभी समझो वर्ल्ड वॉर टू चल रहा है और कोई देश का जासूस अगर पकड़ा गया तो उसके अंदर ये ड्रग डाल के उसके अंदर से सच्चाई निकलवाने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर टू के समय पे इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया गया था। अभी हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलीग्राफिक टेस्ट, अभी ये जो नार्को टेस्ट है ये डिफरेंट कैसे है पॉलीग्राफिक टेस्ट से, तो पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है गाइस इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन, ठीक है। और अजम्पशन किस तरह से किया जाता है, अजम्पशन मतलब एक अनुमान लगाया जाता है ऑन फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस, कि उसकी जो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स कैसा है, बराबर, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उस बेसिस पे एक अनुमान लगाया जाता है, बराबर। और उसकी जो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस होती है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो ट्रिगर कर देती है व्हेन अ पर्सन इज लाइंग, बराबर, मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी जब वो झूठ बोलेगा और उसी तरह वो पकड़ा जाता है और वो किया जाता है पॉलीग्राफिक टेस्ट में, बराबर। अभी अनुमान किस तरह से लगाते हैं गाइस, तो कार्डियो कफ्स या फिर सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स जो है, बराबर, उसको अटैच किया जाएगा एक इंसान के ऊपर, बराबर, एक पतला सा एक इलेक्ट्रोड्स रहता है उसको आपके हाथ में जो मेन वेन्स होती है ना वहां पे लगा दिया जाएगा और उसके थ्रू उन लोग क्या देखेंगे, वो देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर, आपका पल्स उन लोग देखेंगे, फिर रेस्पिरेशन, आपका श्वास किस तरह से आप ले रहे हो वो देखा जाएगा, चेंज इन स्वेट ग्लैंड एक्टिविटी, कितना आपको पसीना आ रहा है जब भी आपको सवाल पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीजें देखी जाएगी, ब्लड फ्लो, बराबर। और ये सारी चीजों को देख के एक अनुमान लगाया जाता है कि आपका जवाब जो है वो सही है या गलत है, बराबर गाइस। अभी मैं आपको बता दूं कि कभी भी हम झूठ बोलते हैं तो कुछ ना कुछ छोटी सी गलतियां कर देते हैं, जैसे कभी जब भी हम झूठ बोले तो हमारी रेस्पिरेशन बढ़ जाती है, श्वास बहुत फास्ट लेने लगते हैं या तो हमें पसीना आने लगता है, बराबर। तो पॉलीग्राफिक टेस्ट में यही चीजों को देखा जाता है और उसी बेसिस पे एक अजम्पशन लगाया जाता है कि ठीक है इसके अंदर ये एक्टिविटी हमें देखने मिली, इस बंदे को सवाल पूछने पे पसीना आ गया, बराबर, जवाब देते समय, सॉरी, तो ये बंदा झूठ बोल रहा है। And a numerical value is assigned to each responses, बराबर, एक numerical value दी जाती है assigned to each responses, और उसी basis पे इन लोगों ने अनुमान लगा देते हैं कि बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है या फिर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। Okay guys, एक numerical value होती है polygraphic test में, बराबर। जैसे एक से चार में अगर वैल्यू आता है तो ये शायद झूठ बोल रहा हो, चार से छह में अगर इसकी वैल्यू आती हो तो माइट बी ये सच बोल रहा हो, इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। आपका जो पॉलीग्राफिक टेस्ट का जो मशीन होता है ना गाइस, वो सारी चीजें देखेगा, आपकी रेस्पिरेशन देखेगा, ब्लड प्रेशर नापेगा, पल्स रेट देखेगा आपका, बराबर, ये सारी चीजों को लेके वो एक रिजल्ट देगा, वो रिजल्ट आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू में, बराबर। अगर न्यूमेरिकल और सच और झूठ के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू डिसाइड की गई है, ठीक है गाइस। तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल में लू तो एक से लेके तीन में अगर आता है आंसर मतलब आप सच बोल रहे हो, और तीन से लेके छह में अगर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आता है मतलब आप झूठ बोल रहे हो, इस तरह से किया जाता है पॉलीग्राफिक टेस्ट। अभी गाइस हमारे जो इंडिया के इन्वेस्टिगेटर्स है, मतलब हमारी भारत की जो पुलिस है, क्या उनको अलाउ किया गया है कि वो सस्पेक्ट के ऊपर ये टेस्ट कर सके, तो हम लोग एक केस का रेफरेंस लेंगे जो कि है सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, बराबर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है गाइस कि नो लाई डिटेक्टर टेस्ट, कोई भी जो लाई डिटेक्टर टेस्ट है उसको एडमिनिस्टर नहीं किया जाएगा। कब आप उसको कर सकते हो लाई डिटेक्टर टेस्ट को, जब अक्यूज जो है वो अपना कंसेंट दे, बराबर। अगर जिसके ऊपर इल्जाम लगा है उसने अपना कंसेंट दिया कि हाँ ठीक है आप मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा लो, मैं करने को रेडी हूं, तभी ही आप उसके ऊपर ये टेस्ट कर सकते हो, पॉलीग्राफिक टेस्ट या नार्को टेस्ट, ओके। दूसरी बात यह है गाइस कि गाइडलाइंस बनाई गई है, गाइडलाइंस का नाम क्या है, गाइडलाइंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉलीग्राफिक टेस्ट, बराबर। और इसको पब्लिश किसने किया है, उसको पब्लिश किया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 2000, इन द ईयर 2000, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसको पब्लिश किया है इन द ईयर 2000। इस गाइडलाइंस को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। ये जो गाइडलाइंस बनाई गई है जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉलीग्राफिक टेस्ट ऑन एन अक्यूज्ड,
जिसको पब्लिश किसने किया था, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 2000 साल में, बराबर। तो उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, बराबर। तो इसी बेसिस पे आप किसी इंसान का लाई डिटेक्टर टेस्ट या नार्को टेस्ट आप कर सकते हैं। सो गाइस, हमने देखा इस वीडियो में कि व्हाट इज नार्को टेस्ट, बराबर। नार्को टेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें की जाती है, वो पॉलीग्राफिक टेस्ट से अलग कैसे है, पॉलीग्राफिक टेस्ट में क्या क्या चीजें होती है, बराबर। और हमारे भारत के जो इन्वेस्टिगेटर्स है, पुलिस जो है, क्या उनको ये सब चीजें अलाउ किस तरह से करना है, किस तरह से वो ये सारी टेस्ट कर सकती है। ओके, इसी तरह से हम करंट अफेयर्स के वीडियोस यहां पे अपलोड करते रहेंगे। पीटी गुरुकुल का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमें YouTube चैनल में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।